News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दमोह से आधी बड़ी खबर के साथ, जहां आज कांग्रेस के द्वारा जिले के बांदकपुर धाम में जन आक्रोश यात्रा निकाली गई है, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने पहले बांदकपुर में भगवान जागेश्वर नाथ का पूजन कर इस जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ किया। इस यात्रा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने जगह जगह स्वागत किया है और यात्रा में दमोह विधायक अजय टंडन, जिलाध्यक्ष रतन चंद जैन के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो पूर्व मंत्री अरुण यादव ने इस जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में उत्साह देखा गया, तो भगवान जागेश्वर नाथ के पूजन के साथ इस यात्रा को शुरू किया गया है। जन आक्रोश रैली पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सातों जगह से चालू हो रही, माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पर और हमारे नेता अरुण यादव जी के नेतृत्व में भोले बाबा जागेश्वर धाम से आशीर्वाद लेकर गणेश चतुर्थी वाले दिन हम लोगों ने रैली इस भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प को लेकर निकल रही है। जनता में भाजपा के प्रति आक्रोश है और आप देख रहे हैं रैली को पर्याप्त और भारी समर्थन मिल रहा है। जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से, जनता के आशीर्वाद से, सहयोग से 2023 के विधानसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश की भ्रष्ट शिवराज सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प हमारा है। सरकार जो किसान विरोधी है, सरकार जो महिला विरोधी है, सरकार जो बेरोजगार नौजवान